नमस्कार प्रणाम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं कुसुम, आपका अपना यूट्यूब चैनल कुसुम के ब्यूटी टिप्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, अगर आप भी लगना चाहते हैं अपनी एज के 10 ईयर्स पीछे, यानी कि अपनी उम्र के 10 साल आप कम के दिखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल के सदस्य नहीं हैं, तो आप हमारे चैनल के सदस्य बनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन बेल आइकन बटन भी जरूर प्रेस कर लीजिए। दही और बेसन, टमाटर या पटेटो, इस चीज़ का मैं बहुत सारी रेमेडी आप ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। और उससे भी बेहतरीन टिप्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए, आपके हेयर्स के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो चीज़ें हैं फेस के बाहर वो तो है ही, लेकिन आपको अपनी हेल्थ को अंदर से साफ करना है, अंदर से स्वच्छ करना है। अगर अंदर से हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो नेचुरली हमारे फेस पे नेचुरली ग्लो आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नंबर वन टिप्स है, टेंशन नहीं लेनी है। अब आप कहेंगे भाई इसने तो बोल दिया कि टेंशन नहीं होगी, टेंशन होती है, हर किसी के लाइफ में होती है। अब ये तो है नहीं कि टेंशन है तो हम जीना छोड़ देंगे, अब ये भी नहीं है कि टेंशन है तो हम उसमें घुसे रहेंगे, भाई उससे हमें बाहर उतरना है। तो हमें क्या करना है, हमें जो मैगजीन जो हमें पसंद है, जैसे किसी को बारिश का टपकना अच्छा लगता है वो वाली धुन सुने, जिसे म्यूजिक पसंद है वो म्यूजिक सुने, और जिसे घूमना पसंद है वो घूमें, जिसे शॉपिंग करना पसंद है वो शॉपिंग करें, किसी को डांस करना अच्छा लगता है तो वो कमरे में म्यूज़िक लगा के तो डांस करने लग जाए। बिकॉज हमें डिप्रेशन से बाहर आना है, हमें टेंशन से बाहर आना है, तो हमें कुछ ना कुछ उसके लिए करना होगा। अगर आप टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली तनाव बढ़ेगा और आपके फेस पे ऑलरेडी झुर्रियाँ, रिंकल्स, टेंशन से उम्र से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है। तो आपको ये टिप्स फॉलो करनी है। उसके बाद नंबर दो आता है भाई, आपको अपने खान पान को स्वस्थ रखना होगा। उसके लिए आपको नमक और शुगर, इन दो चीज़ों का परहेज करना होगा। देखिए, एक एज के बाद ऐसा होता है कि ये दोनों चीज़ें आपको नुकसान करने लगती हैं, तो उसके लिए आपको नमक और शुगर का कम यूज़ करना पड़ेगा। उतना आप कम करेंगे, कम क्वांटिटी में लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ऑटोमेटिकली आपके फेस पे ग्लो आने लगेगा अगर ये चीज़ें कम हो गई तो। उसके बाद नंबर तीन आता है कि यदि आप चाय कॉफ़ी का सेवन अधिक करते हैं तो उसको आप धीरे धीरे कम कीजिए, क्योंकि एक एज के बाद ये चीज़ें भी हमें नुकसान करने लगती हैं। अगर आप दिन में 4 कप कॉफ़ी या 4 कप चाय लेते हैं तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें कम करनी होंगी। एकदम तो कम होती नहीं है, आप रूटीन बनाना होगा आपको उस चीज़ का। आप रूटीन किस तरह से बनाएंगे, अगर आप 4 कप कॉफ़ी लेते हैं या 4 कप आप दिन का चाय लेते हैं, तो आपको धीरे धीरे उसको कम करना होगा। कम करने के लिए आप, जैसे आज आपने 3 कप ले ली, तो नेक्स्ट डे आप रूटीन बनाएंगे कि मुझे 2 कप चाय या कॉफ़ी लेना है, नेक्स्ट डे आप 1 कप पे आ जाएंगे, धीरे धीरे ये चीज़ें कम करने लग जाएंगे, धीरे धीरे कम होंगी। क्योंकि एकदम तो किसी चीज़ की हैबिट अगर होती है तो धीरे धीरे ही कम होता है, या धीरे धीरे ही हैबिट छूटती है, एकदम पॉसिबल नहीं होता है। समझ सकती हूँ मैं, ये चीज़ें हर किसी के साथ होती हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर 4 जो टिप्स है वो है आपका लीवर सिस्टम। आपका लीवर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जब आप अपनी डाइट को अच्छे से पचा पाएंगे, अच्छी डाइट अगर आप लेते हैं, हेल्दी डाइट, अगर आपका लीवर सिस्टम कमज़ोर नहीं है, आपका लीवर सिस्टम अच्छा है, तो डाइट आप लेते हैं उसका निचोड़ आपके सारे शरीर को लगे, सारे शरीर को लगे, ताकि आपको अपने फेस पे ऑटोमेटिकली ग्लो दिखाई दे। आप जो भी आप चीज़ खाते हैं, तो उसके लिए आपको अपना लीवर सिस्टम को मेंटेन करना होगा और लीवर को हेल्दी रखना होगा। क्योंकि अगर आपके अंदर की मशीन अच्छी होगी, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता होगा, तभी आपके फेस पे ग्लो आएगा। उसके बाद नंबर 5 टिप्स आते हैं कि आपको पानी फुल मात्रा में लेना है, अच्छी मात्रा में लेना है। देखो, पानी लेने का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपनी इस पे डाल रखा है कि आपको किस तरह से पानी पीना है, किस तरह से यूज़ करना है। अगर जिसने नहीं देखी है तो प्राइवेट एंड में उसका लिंक है, आप देख लीजिए। तो उसके लिए आपको, अगर आपका वज़न 20 किलो का है तो आपको दिन में 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगर आपका 40 kg का वेट है तो आपको 2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो इसी डाइट से 2, 3, 4, 5 लीटर तक की पानी की आवश्यकता होती है मैक्सिमम एक दिन में। तो आपको ये रूटीन भी फॉलो करना है। उसके बाद 5 टिप्स आते हैं कि
फेस के लिए भी मैं आपको बताऊंगी। फेस के लिए क्या होता है, नाइट में सोने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लींजिंग कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अपने फेस को क्लींजिंग करना सबसे ज़रूरी होता है। तो किसी फेस वॉश से कर सकते हैं आप, क्लींजिंग में ले सकते हैं, और फेस को वॉश करने के बाद आप, क्योंकि अगर आप साफ नहीं करते हैं फेस को तो धीरे धीरे आपके यहाँ पे डस्ट वगैरह जमने लग जाती है, ओपन पोर्स पे डस्ट वगैरह जम जाती है, तो रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जाती है। तो अगर आप चाहते हैं इनसे छुटकारा मिले तो वो चीज़ आपको क्या करनी है, अपने फेस पे डेली आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। अगर आप सन में निकलते हैं तो आपको बिना सनस्क्रीन लगाए सन में नहीं निकलना है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आपके फेस पे एजिंग के लक्षण दिखाई देंगे। और एक्सरसाइज, देखिए आपने सुना होगा कि एक्सरसाइज के काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि योगा और एक्सरसाइज से आप फिट रहते, तो अपने आप को फिट किस तरह से रखना है, आपको डेली एक्सरसाइज योगा करना है, खुद के लिए आपको थोड़ा टाइम निकालना है। आप वर्किंग है अच्छी बात है, आप होम वर्किंग है वो भी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए भी निकालिए। जो एज हमारी होती भी नहीं है उसी एज में बुढ़ापा आ जाता है, तो इसका कारण क्या है कि हम अपनी केयर नहीं करते। चलो जो चल रहा है चलने दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो चलता नहीं है बल्कि वो दौड़ता है, और किस ओर दौड़ता है, बुढ़ापे की ओर दौड़ता है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो नहीं करनी है, आपको खुद को मेंटेन रखना है। आप शीशे के आगे खड़े हो जाइए, अपने आप को देखिए, भाई आपके हेयर ख़राब हो रहे हैं तो आपको हेयर पे डाई करनी है, या आपको अपने इयर रिंग्स बदलनी है, आपको वॉच बदलनी है, आपको अपनी शर्ट वगैरह चेंज करनी है, तो थोड़ा खुद को मेंटेन रखने के लिए, आपको थोड़ा अपने आप को चेंज करने के लिए, आपको प्रोफेशनल बनाने के लिए, खुद को एक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा। और वो रखने कोई और नहीं आएगा, आपको खुद ही रखना होगा। होगा कि नहीं चलो अब बच्चे हो गए अब अपनी केयर नहीं होती, कहाँ होता है, तो ये चीज़ें अगर आप सोचेंगे तो आप कहाँ बुढ़ापे की ओर भाग रहे हैं, वो भी अपनी एज के, जो एज आपकी है भी नहीं बुढ़ापे की ओर जाने की, उस एज में आप बुढ़ापे की ओर भाग रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको खुद। तो गाइस मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और ये टॉपिक वाकई बहुत हेल्पफुल रहा है। तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।